हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार शुक्ला एक बार फिर अपने नए वीडियो। इससे पहले मैंने YouTube पे अपने 5 वीडियो अपलोड किए हैं बिल्डिंग मटेरियल के। ये मेरा छठा वीडियो है। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ 82 क्वेश्चन से। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन इज, यहाँ पर कास्ट आयरन में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा 2 से 4.5% कार्बन का प्रतिशत होता है। तो ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं कि कार्बन स्टील में या आपका कास्ट आयरन में या आपका स्टेनलेस स्टील में, जिसमें कार्बन का प्रतिशत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में आए हैं। तो इन क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आने वाले एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन इज, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है 2 से 4.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज, अब यहाँ पर स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। तो स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 0.15 से 1.5% होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन रॉट आयरन, तो यहाँ दोस्तों रॉट आयरन का प्रतिशत पूछ रहा है कि कार्बन इसमें कितना प्रतिशत होता है, तो वो 0.15% होता है। ऑप्शन ए इज राइट। अगर यहाँ माइल्ड स्टील पूछता तो 0.25% होता है। तो ये आने वाली परीक्षाओं में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट लॉग 1.25 मीटर और लेस इन लेंथ इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बोल्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिन प्लैंक लेस देन 5 सेंटीमीटर थिकनेस एंड मोर देन 10 सेंटीमीटर ब्रेथ इज कॉल्ड, तो इसको हम बोल्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी इज सही। नेक्स्ट, द डिके ऑफ टिम्बर कास्ट बाई अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इज कॉल्ड, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लकड़ी में अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग के कारण जो क्षय होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे वेट रॉट बोलते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाई इट्स, ऑप्शन सी इज थिकनेस इज राइट। नेक्स्ट, अ सॉल्वेंट कॉमनली यूज फॉर ऑयल पेंट इज, तो ऑयल पेंट में जो कॉमनली हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं उसे हम लोग टर्पेंटाइन कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाई अप्लाइंग कोटिंग, तो जो जंग किसकी कोटिंग से, इनमें से लगाकर जंग से बचा जा सकता है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए रेड लेड, ऑप्शन बी वाइट लेड, सी जिंक ऑक्साइड, डी बिटुमिन, तो ऑप्शन ए रेड लेड इज राइट आंसर। इससे जंग से बचा जा सकता है इसकी कोटिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज, तो टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट थिनर, ऑप्शन बी इज राइट। जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है इसका यूज हम लोग पेंट में, इसको हिंदी में तारपीन का तेल भी कहते हैं, थिनर के रूप में करते हैं। लिंसर्ड ऑयल इज यूज्ड इन पेंट, ये अलसी का तेल जो है पेंट में यूज किया जाता है व्हीकल के रूप में, ऑप्शन बी इज राइट। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वार्निश इज रेजिन, ऑप्शन सी इज राइट। ड्यूकोपेंट इज ए काइंड ऑफ बिटुमिन्स पेंट, सेल्यूलोस पेंट, एमल्सन पेंट, एल्यूमिनियम पेंट, तो राइट आंसर इज सेल्यूलोस पेंट, ऑप्शन बी इज राइट। फ्रेंच पॉलिश इज, तो फ्रेंच पॉलिश ऑप्शन डी स्प्लिट वार्निश। नेक्स्ट, द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज, तो जो डिस्टेम्पर होता है उसमें बेस मटेरियल जो होता है वो आपका चाक होता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, स्नो सेम इज अ वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट, राइट आंसर इज डी।
In paints, pigment is added for. पेंट में जो पिगमेंट है उसको ऐड किया जाता है किस लिए? ऑप्शन बी कलर, कलर के लिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज, ऑप्शन बी इज राइट 1.0924. अगर यहाँ पर टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछता तो 1.25 होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन हीटिंग बिटुमिन बिकम्स, बिटुमिन को गर्म करने पर वो सॉफ्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्रू फॉर वुड वर्क एज स्पेसिफाइड बाई लेंथ, ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट. इन किंग पोस्ट द नंबर ऑफ वर्टिकल पोस्ट इज, तो किंग पोस्ट जो ट्रस होती है उसमें जो नंबर ऑफ वर्टिकल पोस्ट होते हैं उनकी संख्या एक होती है. राइट आंसर इज ए. ए रोलिंग शटर इज ऑफन यूज फॉर, जो रोलिंग शटर होता है उसका हम लोग यूज करते हैं शॉप में, आपने देखा भी होगा. ऑप्शन डी इज राइट. डिफरेंट टाइप ऑफ पिच रूप और, ऑप्शन सी इज राइट, मैंसॉल टाइप और गैबल टाइप. द रूफ हैविंग स्लोप इन ऑल फोर डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया, UP SSSC का स्टेट लेवल में. इसका राइट आंसर है हिप पिच रूप, ऐसी रूप जो चारों दिशाओं में उसकी ढाल होती है उसको हम हिप पिच रूप कहते हैं. ऑप्शन ए इज राइट. एपेक्स लाइन ऑफ ए स्लोपिंग रूप इज कॉल्ड, उसे हम रिज कहते हैं. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. लोअर एज ऑफ द इंक्लाइंड रूफ सरफेस इज कॉल्ड, तो जो लोअर एज होती है इंक्लाइंड सरफेस की उसको हम लोग ईविज बोलते हैं. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट. द सेल रूफ मे बी डिजाइंड एज, जो सेल रूफ होती है इसको डिजाइन किया जाता है बोथ थिन सेल एंड थिक सेल, तो यहां पर ये दोनों के लिए डिजाइन की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हेड रूम इन स्टेयर केस शुड नॉट बी लेस देन, तो जो स्टेयर केस का जो जो हेड रूम होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 2.10 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए. ऑप्शन सी इज राइट. द ज्वाइंट्स प्रोवाइड इन वुडन फ्लोर आर, जो वुडन फ्लोर होता है उसमें जो ज्वाइंट प्रोवाइड किया जाता है वो टंग एंड ग्रूव, ऑप्शन ए इज राइट, ये प्रोवाइड किया जाता है. ब्रिक फ्लोर आर यूज इन गोडाउन्स, ऑप्शन सी इज राइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों. नेक्स्ट. इन मल्टी स्टोरेड गवर्नमेंट बिल्डिंग द फ्लोर हाइट इज यूजली रेस्ट्रिक्टेड टू 3.4 मीटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन चिप्स आर ऑल्सो कॉल्ड, जो ईट और पत्थर होते हैं उनको तोड़ने पे जो अवशेष बचता है उसको हम स्क्रैप स्पाइल बोलते हैं. स्पाइल, ऑप्शन सी इज राइट, स्पाइल. इन रेसिडियल बिल्डिंग द हाइट ऑफ बाथरूम शुड नॉट बी लेस देन, तो रेसिडियल बिल्डिंग में जो बाथरूम की हाइट है उससे कम नहीं होनी चाहिए, 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट. द वेट ऑफ रिवर सैंड पर क्यूबिक मीटर इज टेकन, तो जो रिवर सैंड पर क्यूबिक मीटर लिया जाता है उसका वेट वो 1800 से 1900 केजी लिया. राइट आंसर इज सी. द लाइम सैंड मोर्टार नॉर्मली यूज्ड इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन एज रेशियो ऑफ, तो लाइम सैंड मोर्टार नॉर्मली यूज इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन हैज ए रेशियो ऑफ 1.2. ये क्वेश्चन आप इसको याद रखिएगा. द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड मोर्टार प्रिफर्ड इन लोड बेरिंग वॉल इज 1.1:6.
The number of step in a flight should not be less than 3 से कम नहीं होनी चाहिए. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ स्टेप इन एन ऑर्डिनरी फ्लाइट शुड नॉट बी मोर देन, तो ये 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए. ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द विड्थ ऑफ लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन, तो ये स्टेयर की चौड़ाई के बराबर, इससे छूट कम नहीं होनी चाहिए. स्टेयर विड्थ. ऑप्शन डी इज राइट. द सम ऑफ थ्रेड एंड राइस शुड बी लाई बिटवीन, तो ये थ्रेड और राइस का जो सम होता है ये 40 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट. डॉग लेफ्ट स्टेयर आर हाफ टर्न स्टेयर. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाफ टर्न स्टेयर चेंज दियर डायरेक्शन थ्रू. ऑप्शन ए इज राइट. 180 डिग्री. ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पब्लिक बिल्डिंग द मैक्सिमम राइजर इज लिमिटेड टू. ऑप्शन सी इज राइट. 15 सेंटीमीटर. ए स्टेप अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगुलर इन शेप इज नो एज. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है. इसका राइट आंसर होगा वाइडनेस. ऑप्शन सी इज राइट. तो यहाँ पर ये 125 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं और इसके बाद मैं दूसरी बुक लूँगा और वहाँ का एमसीक्यू अभी बिल्डिंग मटेरियल मेरा चलेगा. और क्योंकि ये UP SSSC से लेके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसमें ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं क्वेश्चन का होता है जो बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन है. तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से कवर करूँगा और आने वाले टाइम में और भी वीडियो अपलोड करूँगा. तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए. थैंक्स टू वॉच.